मेरा नाम मुन्ना। बोलो मेरे हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव हाउसवाइफ। फ्रेंड, आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह की शुरुआत देख ही रहे हैं मैंने किस चीज़ से किया है। मेरी ननद की जब लीव रहती है तो हम यही करते हैं, और मैंने यहाँ पे कॉफ़ी मास्क लगा लिया है। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरे किचन के काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ अपना खाना बनाने, और मैंने बनाया है वेज बिरयानी, जिसमें कि मैं आलू वालू सब ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली हमारे यूपी में इसको तहरी कहते हैं और पंजाब में इसे नमकीन चावल कहते हैं, और ऐसे नॉर्मली बिरयानी कह सकते हैं आप। तो मैं वही बना रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा। शिवांश क्योंकि नहीं खाता है वो सारी चीज़ें, तो मैंने उसके लिए बस एक प्लेन रोटी बनाई और गुड़ और घी के साथ मैं उसे खिलाने जा रही हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो मना कर रहा था कि नहीं नहीं रिकॉर्डिंग मत करो, किसको भेजना है, बंद करो। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बेस्ट प्राइस, जा रहे हैं हम लोग अपना ग्रॉसरी और डेली यूजर्स वाले सामान को लेने के लिए। ऑलमोस्ट पूरी फैमिली ही जाती है बस मेरे देवर को छोड़ करके। काफ़ी अच्छा है, वॉलमार्ट का एक है ये पार्ट, तो यहीं से हम लोग मेनली अपने घर के चीज़ों की ख़रीदारी कर लेते हैं। और जहाँ तक आपको टाइटल से पता चल रहा होगा, मैंने लिखा है कि क्या गिफ्ट चाहिए था उनको, तो बताती हूँ। और ये देखिए शिवांश ट्रॉली में बैठ गया, और ये जो कान्हा जी की मूर्ति आप देख रहे हैं कृष्ण जी की, यही उन्होंने कहा कि मुझे मेरी शादी में भाभी अब गिफ्ट देना। तो मुझे पहले लगा कि ये 2400 का है, लेकिन जैसे मैंने देखा 24000 का है ये, 24,99। तो मैंने कहा यार 25000 का है यार, क्या कर रही हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ब्लॉग में थोड़ा खुद को भी डाल लिया जाए। मेरी ननद का एक्चुअली ऑफिस से कॉल आ गया था, तो वो बात कर रही थी, और ऐसे ही हम लोग की शॉपिंग चल रही थी जैसा कि आप देख क्या रही ले रहे हैं। आप इधर दिखाओ, हाँ वही अच्छा लग रहा है, दिखाओ ये आप में हो जाएगा। अच्छा अब चलो रख दो वापस, रखो वापस बेबी, अब रख दो, वो नहीं होगा आपने, आप अपने साइज का देखो। तो फ्रेंड्स हमने सारा सामान ले लिया है, और यहाँ पे बिलिंग करा रहे हैं मेरे हस्बैंड। देखिए कुछ सामान का मैंने फ़ोटो ले लिया था। उसके बाद हम लोग, मैं और मेरी ननद बाहर चले गए, और हम लोग गाड़ी के पास वेट कर रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। बस उसके बाद देखिए क्या होता है, शिवांश को एक्चुअली पापा जी ने गाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है वो, और उसके पापा जो हैं वो पूरा सामान जमाने के लिए सब मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, और अभी रिकॉर्डिंग मेरी ननद कर रही थी, और हम दोनों ही गाड़ी में सामान भर रहे हैं। ये देखिए एक्चुअली उन्होंने दो डब्बे रखे हुए थे, दो मतलब कार्टून, और मैंने जिस तरफ मेरा वाला रखा हुआ था उधर ही वो भी सामान कर दिए। तो मैं हंस रही थी कि आपको अपने वाले में भरना था। बोलो मेरे अब फ्रेंड्स हम घर आ गए थे, सारा सामान वगैरह जमा दिया, और उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली आज क्या है कि शिवांश को मेला घुमाने का प्लान है, क्योंकि संडे था, सब लोग घर पे थे, और एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेला लगा हुआ था, इंदौर में तो नहीं, लेकिन उसकी खुशी के लिए सभी बोले कि चलो ठीक है उसको घुमा के लेके आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैं आलू और गिलकी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और शिवांश का ना एक्चुअली वो वर्दी वाला ड्रेस फेवरेट है, उसके नाना जी ने गिफ्ट किया था, तो जब भी होता है सुबह शाम दोपहर कभी भी वो पहन के नन्ना मुन्ना राही बन जाता है, और बस फेवरेट है उसका। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से खाना बना के। एक्चुअली मैंने खाना बनाया और मैंने ही सिर्फ खाया, कोई खा भी नहीं पाया। मैं कह रही हूँ कि मिलती हूँ खाना बना के,
और हम लोग आ गए मेला। और एक्चुअली हमने इसके बाद बाहर ही खाना खा लिया, सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी घूम घूम के, तो हमने होटल में खाना भी खा लिया और खाना जो है वो जो मैंने बनाया था सब बच भी गया। देखिए शिवांश कैसे इंजॉय कर रहा है, ये रेड टी शर्ट वाला वही है, होपफुली आप लोग पहचान पा रहे होंगे उसको। और यही सब था, बहुत सारे एक्चुअली ये सब मिकी माउस पहले से बोल के आया था कि मैं इस पे झूलूँगा, मैं उस पे जाऊँगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो एक्चुअली आपने देखा कि उसकी उंगली में चोट लग गया था, तो वो उस पे जा भी नहीं पाया और थोड़ा बहुत डर भी रहा था क्योंकि वो छोटा है अभी, तो इसी पर बैठ के टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स रात के अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ सोने, और हाँ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ब्लॉग को। थैंक यू, बाय।